طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. ये सूरह त्वाहा मक्की सूरतों में से है और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इब्तिदा में अल्लाह तबारक ताला की जानिब से तसल्ली दी गई है और क़ुरान मजीद के औसाफ को अल्लाह ने बयान फरमाया। एक उसूल और ज़ाब्ते की बात पहले कई बार हम जिक्र कर चुके हैं और अभी फिर जिक्र कर रहा हूँ कि हर वो सूरत जिसके शुरू में हरूफ मुक़त्तआत होते हैं, जैसे त्वाहा, काफा या ऐन स्वाद, हामीम, हामीम ऐन सीन काफ, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम रा, काफ स्वाद, ये हरूफ मुक़त्तआत कहलाते हैं। इनको अलग-अलग करके पढ़ा जाता है। जिस सूरत के आगाज़ में हरूफ मुक़त्तआत होते हैं उस सूरत के आगाज़ में क़ुरान मजीद के मुअज्जज़ा होने का बयान होता है। ये उसूली बात है, लाजमी शुरू में क़ुरान की बात आती है। अब सूरह बकरा कहाँ से शुरू होती है? अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताब, किताब की बात आती है, क़ुरान की बात ज़रूर आएगी उसमें। उसके बाद सूरह आल इमरान अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, नज़्ज़ल अलैकल किताब, सल्ला ने आप पर किताब उतारा। सूरह आराफ अलिफ लाम मीम स्वाद, किताबुन उन्ज़िला इलैका, ये किताब आपकी तरफ उतारी गई। इसी तरह से उसके बाद सूरह यूसुफ अलिफ लाम रा, तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। सूरह रअद अलिफ लाम मीम रा, तिल्का आयातुल किताब। सूरह इब्राहिम अलिफ लाम रा, किताबुन अनज़लनाहु इलैका लितुख्रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ये किताब हमने आपकी तरफ उतारी है ताकि इसके ज़रिए से आप लोगों को अंधेरों से रोशनी की तरफ लेकर आए। उसके बाद सूरह हिज्र अलिफ लाम रा, तिल्का आयातुल किताबी व क़ुरआन मुबीन, ये आयात हैं किताब की और क़ुरान मुबीन की आयात है। सूरह शुआरा तौसीम मीम, तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, तौसीम मीम, तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, ये सूरह शुआरा और उसी तरह से सूरतुल क़सस। तो जो भी सूरत आप देखेंगे हुरूफ मुक़त्तआत से शुरू होती है उसमें क्या होता है? शुरू में क़ुरान की बात ज़रूर आती है। और ये दर हकीकत अल्लाह पाक की जानिब से तमाम के तमाम इंसानों को और ख़ास तौर पर उस वक्त के जो मुखातबीन थे अरब, उनको एक चैलेंज होता था कि इसकी मिसाल लेकर आओ। इसकी मिसाल किस चीज़ में? इसकी फसाहत, इसकी बलागत, इसके एजाज में, और ये जो गुज़िश्ता ख़बरें देता है, ठीक ठीक तारीख बताता है उसकी मिसाल, आइंदा हालात की पेशनगोई करता है उसकी मिसाल, जो अहकाम ये देता है उसकी मिसाल, जो बेहतरीन ज़िंदगी ये तुम्हें बताता है उसकी मिसाल, किसी भी पहलू में तुम इसकी मिसाल ला कर दिखाओ, लेकिन यकीनन तुम मिसाल लाने से आजिज़ हो। तो सूरह त्वाहा भी इसी तरह से है।